कैंट पुलिस ने थाने के टॉप 10 और टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट में शामिल 3 शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से पुलिस ने एक देसी तमंचा, जिंदा कारतूस, चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि गश्त के दौरान रात में कैंट पुलिस के 4 फाटक से कौवा भाग जाने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान धीरज कुमार पुत्र गौरीशंकर भारती निवासी बिछिया रामलीला मैदान थाना शाहपुर, जितेंद्र कुमार पुत्र लाल मन प्रसाद निवासी निकट विभल महाविद्यालय पादरी बाजार थाना शाहपुर तथा राजपाल शर्मा पुत्र शुभकरण शर्मा निवासी ससना थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के रूप में हुई है। सीओ कैंट पुलिस सुमित शुक्ला ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर कैंट थाने में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और ये सभी वांछित चल रहे थे। कैंट पुलिस ने रविवार को 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में कैंट थाना प्रभारी मनोज कुमार राय, थाना उप निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह, विजय कुमार गौड़, कांस्टेबल कमलेश कुमार, जयप्रकाश यादव, बलराम राजभर, मनीष कुमार शामिल रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, गत रात्रि कैंट पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है, साथ ही जिस वाहन से घूम रहे थे वो वाहन कैंट थाना से ही पूर्व में चोरी हुआ था और उसका अभियोग भी पंजीकृत था यहाँ पे, तो चोरी की गाड़ी भी इनके द्वारा बरामद की गई है। ये रात में लूटपाट करके घटनाओं के कारण ही घूम रहे थे, अगर कहीं कोई उनका शिकार आसानी से मिलता तो घटना कर लेते, लेकिन कैंट पुलिस की मेहनत के कारण ऐसे लोग पकड़े गए हैं और उनको आज जेल भेजा गया है।